एक मर्तबा हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी आपके साथ बैठे हुए हैं और खाने की मजलिस चल रही है, सीधा साधा खाना सहाबा किराम खा रहे हैं। वो खाना कि किसको तुम चावल कहते हो वो अल्लाह जानता है क्या खाना था, सीधा साधा खाना सहाबा किराम खा रहे हैं। एक साहब थे वो उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। असल सुन्नत कौन से हाथ से खाना है भाई, बोलते जाओ ना कौन से हाथ से, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ, इसलिए कि सीधे हाथ से खाना ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है और मोमिन का हर अच्छा काम सीधे हाथ से होता है। लेकिन उसके दिल में तकब्बुर घमंड था, उसके दिल में तकब्बुर था घमंड था, सोचने लगा अगर मैंने सबके सामने मेरे नबी की बात को मान ली तो मैं छोटा बन जाऊंगा, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। आप इंसाफ से कहो आकाए दो जहां की बात को मानने में इज्जत थी या जिल्लत थी? अरे बोलो ना, इज्जत थी या जिल्लत थी? उससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है कि जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ, इसलिए कि सीधे हाथ से खाना ये मेरा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही है तो वो सोचने लगा अगर सबके सामने मैंने मेरे नबी की बात को मान लिया तो मैं छोटा बन जाऊंगा, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने क्या कह दिया, अल्लाह के नबी मेरे सीधे हाथ में तकलीफ है, सीधे हाथ में प्रॉब्लम है, सीधा हाथ काम करता नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं था, सीधा हाथ दुरुस्त था, लेकिन अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए तकब्बुर की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को ठुकरा दिया। उलमा ने लिखा है कि सीधा हाथ हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गया। तुम न मानने वाले तो दुनिया की जिंदगी में भी नाकाम है, आखिरत की जिंदगी में भी नाकाम है। मानने वाले दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब है, आखिरत की जिंदगी में भी कामयाब है। दो जहां की कामयाबी, दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, यानी तो दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब होना चाहता है, आखिरत की जिंदगी में भी कामयाब होना चाहता है। दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। नक्शे कदम नबी के हैं, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, और अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। इसी के बिल मुकाबिल एक सहाबी का किस्सा जिक्र किया है कि उनके सीधे हाथ में तकलीफ थी, सीधा हाथ काम करता नहीं था, बहुत से इलाज किए, तबीबों को बताया लेकिन कोई फायदा न हुआ, हकीमों को बताया लेकिन कोई फायदा न हुआ, डॉक्टरों को बताया लेकिन कोई फायदा न हुआ। परेशान होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से आलिया में तशरीफ लाए, सहाबाए किराम खजूरें खा रहे हैं। खजूर तो समझते हो ना, रोजाना इफ्तार में खाते हो ना भाई, सहाबाए किराम खजूरें खा रहे हैं। अब वो सहाबी आ गए, उल्टे हाथ से खजूरें खाना शुरू कर दिया। क्यों उल्टे हाथ से खा रहे हैं? सीधे हाथ में तकलीफ है, सीधा हाथ काम करता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी सीधे हाथ से खाओ, इसलिए कि तुम अल्लाह की नेमतें खा रहे हो, सीधे हाथ से खाओ, और सीधे हाथ से खाना ये मेरा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की है वो जन्नत में मेरा साथी होगा। अब सहाबी को चाहिए था ना कि अल्लाह के नबी से कह देते, अल्लाह के नबी मेरे सीधे हाथ में तकलीफ है, सीधा हाथ काम करता नहीं है। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि अपने हाथ को मुखातब करके कहा, ए हाथ तू तबीबों से नहीं माना, ए हाथ तू हकीमों से नहीं माना, ए हाथ तू डॉक्टरों से नहीं माना, ए हाथ तू मुझसे नहीं माना, अब
सरकार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रखा है। सरकार की बात तो तुझे माननी पड़ेगी। और हाथ को एक झटका दिया, उलमा ने लिखा सीधा हाथ दुरुस्त हो गया और चलने लगा। अब खजूरे सीधे हाथ से खाना शुरू कर दिया, खजूरे खाकर फारिग हो गए। रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सच्चे साहबी है ना भाई, रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया मेरे महबूब, मेरा मिजाज, मेरा मकसूद आपके सामने बैठकर आपके दिल को नाराज करना नहीं था, आपकी मुखालफत करना नहीं था। हकीकत में हाल तो ये है कि मेरा सीधा हाथ काम नहीं करता था। बहुत से इलाज किए, तबीबों को बताया लेकिन कोई फायदा ना हुआ, हकीमों को बताया लेकिन कोई फायदा ना हुआ, डॉक्टरों को बताया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सोचा कि आपकी खिदमत में चला जाओ, आपके हुक्म से हाथ को हरकत दूं। आपने हुक्म दिया, मैंने हाथ को हरकत दी, इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे ने मेरे हाथ को दुरुस्त कर दिया। इसलिए उलमा ने नतीजा निकाला कि जो लोग अपनी जिंदगी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बनाने का इंतजाम कर ले, अल्लाह उनसे बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देगा और शिफा नसीब फरमा देगा। तो आज से हम सब देखकर लोग कहो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, नबी पाक की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता वो कुछ भी कर रहा हो कुछ उसे हासिल नहीं होता। अल्लाह हम सब के दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।